यहाँ पे कचरे को डिस्ट्रॉय करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। और मैं देख रही हूँ यही चीज, मैंने गांव गांव भर देखी, कितने गांव के बाहर आप देखेंगे नीचे वैली में भरा पड़ा है पूरा रैपर से सारा कचरा। ये नेचर वेट करती है कि सुधर जा बेटा सुधर जा, पर जब हम नहीं सुधरते ना, इसके पास भी अपना क्लीनिंग सिस्टम है। केदारनाथ की बाढ़ में ना उसे सब साफ कर दिया था। हेलो दोस्तों, मेरी 40 दिनों की हिमालय की ट्रिप कंप्लीट हो रही है, मैं वापस जा रही हूँ। और आप जानते हैं मेरे साथ कुछ है, ये मैं पूरा अपने शहर वापस लेके जा रही हूँ। जानते हैं क्या है, ये है मेरा 40 दिनों का कचरा, जिसके अंदर बहुत सारी प्लास्टिक की आइटम्स, खाली बोटल्स, रैपर्स, वो शैम्पू वैम्पू की बोतल के डब्बे, वो सब कुछ है। आप कहेंगे कचरा उठा के मानी क्या कर रहे हो, उसको फेंक दो। आप जानते हैं मैंने ये कचरा इकट्ठा क्यों किया, बिकॉज मुझे बहुत शॉकिंग बात पता चली। एंड द शॉकिंग थिंग इज, यहाँ पे कचरे को डिस्ट्रॉय करने का कोई सिस्टम ही नहीं है, यहाँ पे कुछ सिस्टम नहीं है। यहाँ क्या करते कचरे के साथ, दो चीज़ें, एक वैली में डालो या इकट्ठा करके जला दो। मतलब हाइट्स, मैं जब ये सुना आई वॉज लिटरली शॉक, सीरियसली वैली में। और मैं देख रही हूँ यही चीज़, मैंने गांव गांव भर देखी, कितने गांव के बाहर आप देखेंगे नीचे वैली में भरा पड़ा है पूरा रैपर से सारा कचरा। मैं लास्ट ईयर जब केदारनाथ यात्रा पे गई थी तो मैंने वहाँ देखा पूरी वैली भरी हुई है, तो उस वक्त मुझे लगा कि शायद ये टूरिस्ट प्लेस है इसलिए ऐसा हो रहा है, पर नहीं, यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है। एंड आप देखते हैं कि जब ये वैली में प्लास्टिक जाता है वो कितना खतरनाक है, वो ज़मीन में मेल्ट नहीं होता। मैंने इसके ऊपर कितनी बार बात की है, हज़ारों साल लग जाते हैं इसको, और यही चीज़ तो है जो कितना नेचर को डिस्ट्रक्ट कर देता है और कितनी हद तक हम अपनी ज़िंदगी के लिए खतरा मोल ले लेते हैं। पता है जब आप इस तरह से कचरा डालते हैं, थ्रो करते हैं, हम जब क्लीन नहीं करते, ये नेचर वेट करती है कि सुधर जा बेटा सुधर जा, पर जब हम नहीं सुधरते ना, इसके पास भी अपना क्लीनिंग सिस्टम है। 2013 में उसे एक डेमो दिखाया था, हमने जब साफ़ सफाई नहीं की, उसने ऐसी 2013 में साफ़ सफाई की थी, केदारनाथ की बाढ़ में ना उसे सब साफ कर दिया था। एंड सबसे बड़ी बात तो मैं उन टूरिस्ट से बात करना चाहती हूँ जो यहाँ पे श्रद्धा के नाम से, पूजा के नाम से, भगवान के नाम से आते हैं। आपके घर में भी तो मंदिर होगा ना, तो क्या आप अपना घर का खाना वाना रैपर वैपर सब निकाल के भगवान पे थ्रो करते हैं? तो ये तो यार सर्वश्रेष्ठ धाम हो गया, सर्वश्रेष्ठ जगह हो गई, जहाँ पे साक्षात भगवान को आप देखने को आते हैं। पूरी पूरी ज़िंदगी लग जाती है एक बार यात्रा करने में, और मैं देख रही हूँ यात्रा में श्रद्धालु आए हुए हैं, पर रैपर खाया इधर फेंका, वो प्लास्टिक का बोतल इधर फेंका, वो सिगरेट विगरेट पिया उधर फेंका। क्या कर रहे हो, ये भगवान का मंदिर है, तुम इस तरह से डिस्ट्रक्ट कर रहे हो उसको। एंड सेकंड सिस्टम, मैंने जब यहाँ देखा कि मैंने बोला मैं एटलीस्ट वो कूड़ेदान में डस्टबिन में डालूँ तो चलो सेफ है, पर मुझे पता चला कि ऑलमोस्ट यहाँ पे ज़्यादा कोई सिस्टम ही नहीं, मैक्सिमम लोग इस कचरे को जलाते हैं। कैन यू बिलीव, जो प्लास्टिक जलता है वो कितनी हद तक एयर को पॉल्यूट कर देता है, एयर को ख़त्म कर देता है। आप जानते हैं हमारे वर्कशॉप्स होते हैं, एडवांस वर्कशॉप, इसमें हम पंच तत्व की बात करते हैं कि एक तत्व जल, अग्नि, वायु, उसका कितना महत्व है, कितना पावर है। और अग्नि के ऊपर हम इतनी सारी बात करते हैं, अग्नि का इतना ताकत है कि मुझे आप, मेरे पास एक मिर्ची है, मुझे आपको तीखापन महसूस करवाना है, मैं एक इंसान को कर पाऊंगी, बट अगर मैं आग के अंदर वो मिर्ची डाल दूँ, जितने लोग हैं उन सभी लोगों को तीखापन महसूस होगा, बिकॉज अग्नि उसको मल्टीप्लाई कर देती है। और जब उसी अग्नि में आप प्लास्टिक डालते हैं तो सोचिए कितनी हद तक पॉल्यूशन क्रिएट होगा। ये जानते दिनों में तो ये सारी नेचर नष्ट होने वाला है, तो मेहरबानी कर जाइए, सुधर जाइए प्लीज़। ये वैली में डालना और ये जलाना बंद कीजिए, उसका कुछ सिस्टम होना ही चाहिए। तो ये वीडियो मैं उन सभी लोगों को, सबसे पहला तो सारे लोकलाइट्स, आप उसके ऊपर स्टेप लीजिए, आप गवर्नमेंट को बोलिए और उसके ऊपर कुछ काम कीजिए। सेकेंड थिंग, गवर्नमेंट, मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस मुद्दे पर सबसे जल्द स्टेप्स लेने चाहिए। एंड थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट, टूरिस्ट, मेहरबानी करके अगर इसकी भव्यता को मेंटेन कर सको तो ही इधर घूमने आओ, वरना मत आओ। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं यहाँ आई एंड आई वॉज लिटरली शॉक कि मेरे द्वारा जो कचरा होगा उसको जलाया जाएगा। तो मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं अपने 40 दिनों का सारा कचरा इकट्ठा करूँगी और जब मैं नीचे जाऊँगी सारा कचरा मेरे साथ लेके जाऊँगी। मैं यहाँ पे वो धुआं या वो गंदगी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। तो ये सब लोग प्लीज़ इसके ऊपर वर्क कीजिए। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप इसको कुछ फैलाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को सबसे पहला दूसरों के साथ शेयर कीजिए, अवेयरनेस लाइए। एंड अगर आप कोई एनजीओ के साथ जुड़े हैं या आप कोई स्टेप्स उठा सकते हैं प्लीज़ उठाइए। एंड उसमें अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं ना, तो मैं इतना ईगरली इस सब्जेक्ट के ऊपर कुछ काम करना चाहती हूँ, 24/7 आई एम अवेलेबल फॉर यू। आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन नंबर पर कॉल कीजिए एंड मुझे बताइए हम क्या कर सकते हैं। बट इस मुद्दे के ऊपर अब काम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत हो गया, प्लेन में तो हम जब
कचरा कर देते हैं नीचे, तो शायद उसका एक सिस्टम भी है, हम वापस उसको क्लीन कर पाएंगे। बट आप सोचो, जब इतनी बड़ी जो वैली है उसमें आप जब रैपर्स डाल देते, कचरा डाल देते, कौन जाएगा वहाँ और कैसे वो क्लीन होगा? फिर नेचर बोलेगा कोई बात नहीं, चलो मैं ही क्लीन कर देता हूँ। तो नेचर को मेहरबानी करके ऐसे साफ सफाई का मौका न दे, उसके ऊपर कुछ काम करे, एंड मेरे वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करे। मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, कोई काम साथ में मिलके करना चाहते हैं, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस। हिमानी हैप्पीनेस, आप से थैंक यू।